साइड क्यों नहीं दे रहे हैं आप हमको अमाउंट दे रहे थे? चांद तक जाएगा वो चला गया ना चांद तक उसको लग रहा है बुला के वो आ गया तो वही गलती हो गई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द ड्रैग रेस अगेन। सो आज हम लोग एक पेंटा बैटल कर रहे हैं जिसमें क्या कहते हैं हम लोगों ने नॉन गेट व्हीकल्स मतलब स्कूटीज खड़ी की हैं, जिसमें सबसे पहले डेस्टिनी 125 खड़ी की है, फिर उसके बाद एंटॉर्क 125 रेस एडिशन, उसके बाद एक्टिवा 125 जो कि हम लोग चलाने वाले हैं, और ये गुड्डू मोटो व्लॉग्स SS 125 और बाकी अपने सूरज भैया खड़े हुए हैं बर्गमैन 125 पे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इस ड्रैग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहते हैं। वैसे आप लोग अभी से ही कमेंट बता दीजिए कि आप लोग को क्या लगता है कि कौन जीतेगा और कौन सबसे पीछे रहने वाला है। हॉर्न बजाएंगे पीछे। तुम नहीं बजाओगे ओए, तुम नहीं बजाओगे। ये देखो टैलेंटेड राइडर निकल गया है एक्सेस लेके। और एंटॉर्क बहुत तेज जा रही है, ये रही एक्टिवा और ये रही डेस्टिनी। ये क्या बर्गमैन तुमको क्या हो गया? वेट की वजह से आई थिंक मैं सबसे पीछे हूँ। मेरे पीछे एक्टिवा है। अब राइडर स्विच हो गए, सूरज भैया चलाने लगे एंटॉर्क और गुड्डू मोटो व्लॉग्स चलाने लगे बर्गमैन और अपने पास आ गए डेस्टिनी। अभी तक तो हम लोग सबसे पीछे रहे थे और ये हमारे महान भाई ये सबसे आगे चलते ही चले गए और क्या कहते हैं वो अब ऐसे 125 कुछ पता ही नहीं कहाँ है। ये आ गई ऐसे सबसे आगे बर्गमैन।
पहुंच चुका हूं। 102 हेडॉक में मुझे फील हो रहा है ज्यादा पावर। डेस्टिनी आ गई। अरे भाई डेस्टिनी पावरफुल गाड़ी है क्या? अरे भाई डेस्टिनी निकल रही है। हीरो ने क्या कर दिया ये? जिंदगी में पहली बार कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। एसएसबी आगे, ये सारी की सारी स्कूटियां लाजवाब परफॉर्म कर रही है एक्सेप्ट एक्टिवा। हिलना बंद करो, थोड़ा सा टक करो और आगे निकलो। खींचो भाई, क्या कर रहे हो चचा? खींचो, आगे निकल गए। हालांकि थ्रॉटल डाउन किया, लेकिन अब हम ऐसे ही रहेंगे। एसएस आ गई, एसएस आ गई। ओ भाई स्कूटी में पहली बार जीवन में इतना मजा आ रहा है, लेकिन एंटॉक में गजब की पार है भाई।
चारों स्कूटियां ऐसे लाइन से चल रही थी, ये सबसे आगे, इसके पीछे ये, वो, फिर ये एकदम पीछे लाइन से ही चल रही है। वो वेट की वजह से आगे था ये, मेरा वेट ज्यादा है इसकी वजह से ये आगे थे, वरना पीछे हो जाते। हां नहीं मतलब अब मैं देख रहा था ऐसे एकदम टक्कर दे रही है, खराब एक्टिवा ही है। पिकअप के मामले तो बहुत अच्छा, मतलब सारी सारी स्कूटियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये बात है। नहीं उसने भी 90-92 तक परफॉर्म किया, अब उसके आगे उसका मीटर ही नहीं है तो क्या परफॉर्म करेगी। दिखा रही है सौ तक ना, दिखा रही है। तो वेट की वजह से तुम्हारे में आ गई होगी। तो जल रहा है क्या वो टायर? है टायर, टायर गरम। आप ऐसे ब्रेक लीजिए। हाँ हमने देखा कि क्या कहते हैं ये सबसे आगे था, उसके पीछे इसने हल्का सा ब्रेक लगा दिया, मुझे लगा। नहीं हल्का ब्रेक नहीं लगा तुमने, स्लो कर रहे थे ना। नहीं नहीं तुम स्लो कर रहे थे। अरे भाई आपने पता है कहाँ से जो मतलब आगे। सो गाइस कुछ इस तरह की थी पेंटा बैटल हम लोगों की, और अभी थोड़ा सा वेट की वजह से, जैसा कि हम लोगों ने बात करके सही निकाला कि वेट की वजह से थोड़ा सा कम ऊपर नीचे परफॉर्म हो रहा था, जैसे ये लड़का है इससे ये बता, जैसा इसने भाई ने बताया कि 100 तक परफॉर्म की उसकी बाइक, और बाकी हम लोगों के हिसाब से तो 90-92 गई थी। आप लोगों ने जैसा कैमरा में देखा होगा, बाकी एंटॉर्क आगे थी सबसे। और अब आप लोग के ऊपर मैं डिसीजन छोड़ता हूँ कि आप लोग को क्या लगता है कि कौन जीता था और कौन पीछे था कौन आगे था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके बाय बाय।